अपने ही परिवार को उतारा मौत के घाट। कलयुगी बेटे ने मां का रेता गला। नशेड़ी बेटे की करतूत से पुलिस हैरान। पुलिस के घेरे में खड़ा ये है ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाला अमृतपाल सिंह, जिसे कोर्ट में ले जाते हुए पुलिस के साथ तस्वीरों में कैद किया गया है। पुलिस की कैद में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, लेकिन शुक्रवार यानी कि 5 अप्रैल को पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया तो इसने जज के सामने जो कहानी बयां की उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल अमृतसर की तहसील अजनाला के गांव कांडू बालिया में गुरुवार यानी कि 4 अप्रैल को 37 साल के अमृतपाल सिंह ने अपनी माँ, भाभी और 2.5 साल के भतीजे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड से हर तरफ कोहराम मच गया। आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना पाते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एक तरफ पुलिस जांच कर ही रही थी तो दूसरी तरफ अमृतपाल खुद ही थाने जाकर सरेंडर कर दिया और अपने गुनाहों को जज के सामने कबूल करते हुए बताया कि उसकी पत्नी को माँ और भाभी ने घर से निकाल दिया था, इसी वजह से उसने 3 कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। जबकि इस मामले को लेकर मृतकों के परिजनों का कहना है कि अमृतपाल नशे का आदी है। उसका नशा छुड़वाने की कई बार कोशिश की गई, जब उसे पूछा जाता तो वो नशा करने से इनकार कर देता। नशे की हालत में ही उसने 4 अप्रैल की देर रात अपनी माँ पर हमला किया, इसके बाद भाभी और भतीजे का भी कत्ल किया। परिवार वालों का कहना है कि अमृतपाल ने नशे में इन सारी वारदातों को अंजाम दिया है। यही नहीं, नशे की वजह से ही अमृतपाल की बीवी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई है। फिलहाल अमृतपाल को अजनाला कोर्ट में पेश किया गया, इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।